गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट टाइम पे हम बात करते त्रिज्या की। किसकी बात करते हैं? त्रिज्या की। तो थोड़ा सा उसका रिवीजन करते हैं। त्रिज्या क्या होती है बच्चों? किसी भी परमाणु के नाभिक व बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और सबसे पहले कौन सी त्रिज्या पढ़ी हमने? सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धात्विक त्रिज्या और वैन डेर वाल्स त्रिज्या के बारे में। किस किस बारे में पढ़ेंगे? धात्विक त्रिज्या और वैन डेर वाल्स त्रिज्या के बारे में बच्चों। तो यहाँ पर देखना, हमारे पास जो दूसरी त्रिज्या जो आ रही है वो है धात्विक की त्रिज्या। धात्विक त्रिज्या क्या होती है बच्चों? सीधी सी परिभाषा है कि किसी भी धात्विक क्रिस्टल में दो धातु परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा मान क्या कहलाती है? धात्विक त्रिज्या कहलाती है बच्चों। क्या बोलेंगे? किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में दो जुड़े हुए परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान। ठीक है, क्या कहलाती है? धात्विक त्रिज्या कहलाती है बच्चों। हम ये बोल सकते हैं जो भी हमारे पास में होगा क्रिस्टल संरचना में, जब भी हमारे पास में दो परमाणु जो होंगे उन दोनों परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा मान। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आपसे बोला गया एक परमाणु तो ये है और एक परमाणु बच्चों ये दिया गया है। अब ये दोनों परमाणु आपस में जुड़ रहे हैं एक दूसरे से, क्या कर रहे हैं? दूसरे से आपस में क्या कर रहे हैं? जुड़ रहे हैं बच्चों। ये क्रिस्टल संरचना है। और यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल आपके पास में आ गया बच्चों H2 आ गया हाइड्रोजन, तो ये परमाणु कौन सा हो जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन। और ये भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं बच्चों। अब इनका नाभिक कहाँ होगा? नाभिक होगा केंद्र में। ये क्या हो गया आपके पास में? नाभिक हो गया बच्चों। इस नाभिक, इसको लिखेंगे नाभिक। और ये भी क्या है? नाभिक है बच्चों। तो देखो परिभाषा क्या बोल रही है कि इन दोनों नाभिक को आपस में मिला दो। मिला दिया। और इस नाभिक के बीच की, ये तो दोनों नाभिकों के बीच की जो दूरी है इसका आधा मान, इसको आधा कर दो, डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कौन सा हो जाएगा? ये, इसको हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और इसको भी हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास में बच्चों? धात्विक त्रिज्या हो जाएगी। अब हमारे पास में आ रही है अगली वैन डेर वाल्स त्रिज्या बच्चों। कौन सी त्रिज्या आ रही है? वैन डेर वाल्स त्रिज्या। बच्चों वैन डेर वाल्स त्रिज्या क्या होती है? वैसे तो हम ये बोल सकते हैं वैन डेर वाल्स त्रिज्या जो होती है विलगित गैसीय परमाणुओं में निकाली जाती है। सर गैसीय परमाणुओं में कैसे? बच्चों गैसीय परमाणु जो होते हैं ना उनका आकार अनिश्चित होता है, हमें पता ही नहीं उसका आकार कितना है। तो वहां पर कौन सी त्रिज्या निकल जाती है? वैन डेर वाल्स त्रिज्या निकाली जाती है बच्चों। ठीक है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि दो गैसीय परमाणु जो आपस में, फिर बोल सकते हैं कि जब दो परमाणु जो आपस में वैन डेर वाल्स बंध के द्वारा जुड़े हुए हों तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाएगी? वैन डेर वाल्स त्रिज्या कहलाएगी। हम क्या बोलेंगे? दो संघनित, मतलब आपस में जुड़े हुए दो संघनित वैन डेर वाल्स बंध से जुड़े परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान का आधा मान। देखो हमारे पास में सहसंयोजक त्रिज्या में सहसंयोजक बंध आ रहा था बच्चों, धात्विक त्रिज्या में कौन सा बंध आ गया? धात्विक बंध आ जाएगा। और वैन डेर वाल्स त्रिज्या में क्या जाएगा परमाणु बंध में? वैन डेर वाल्स बंध आ जाएगा। तो हमने क्या बोला? दो संघनित वैन डेर वाल्स बंध से जुड़े परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाएगा? वैन डेर वाल्स त्रिज्या कहलाएगा। जैसे अब आपने बोला कि वैन डेर वाल्स जो त्रिज्या होती है ये गैसीय परमाणु निकालते हैं बच्चों, और गैसीय परमाणुओं का जो आकार होता है ना परिधि अनिश्चित होती है बच्चों, पता नहीं चलता सर कितना बड़ा आकार है। तो हम वैसे सपोज कर देते हैं कि हमारे पास में एक गैसीय परमाणु ये दिया हुआ है और एक गैसीय परमाणु कहाँ दिया बच्चों? हमारे पास में ये दिया हुआ है, हमारे पास में दो गैसीय परमाणु है। ठीक है, अब इसका नाभिक हो जाएगा ये
और इसका नाभिक हो जाएगा ये, दोनों के नाभिक को आपस में मिला दो, मिला दिया। अब इन दोनों नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान करना है बच्चों, इसको आधा कर दो, ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपस में घूंड रूल त्रिज्या, इसको क्या बोल देंगे त्रिज्या, और इसको क्या बोल देंगे त्रिज्या बोल देंगे, ठीक है बच्चों। अब बात यह आती है, अगर हम त्रिज्या के क्रम की बात करें कि सर सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी, उससे कम या फिर बोले बढ़ते हुए क्रम में, तो बच्चों हमारे पास में वैन डेर वाल्स त्रिज्या जो होती है वो हम ये बोल सकते हैं सहसंयोजक त्रिज्या की दुगनी पाई जाती है। इधर देखना बच्चों, त्रिज्या का क्रम क्या होगा, त्रिज्या का क्रम अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ त्रिज्या का क्रम क्या होता है, तो सबसे पहले जो हमारे पास में आएगी वो आएगी सहसंयोजक, सहसंयोजक त्रिज्या बच्चों, उससे थोड़ा सा बड़ी कौन होती है धात्विक त्रिज्या, और सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी होती है हमारे पास में वैन डेर वाल्स त्रिज्या बच्चों, कौन सी होती है वैन डेर वाल्स त्रिज्या। तो हम ये बोल सकते हैं बच्चों की वैन डेर वाल्स त्रिज्या जो होती है वो सहसंयोजक त्रिज्या की क्या पाई जाती है, दुगनी पाई जाती है। तो बच्चों यहां पर तो आ जाएगी वैन डेर वाल्स त्रिज्या, और वैन डेर वाल्स त्रिज्या लगभग दो गुना होती है किसकी, सहसंयोजक त्रिज्या की, ये वाला बात, ठीक है बच्चों। अब आगे बात करते हैं किस त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, कि त्रिज्या कहां पर तो हमारे पास में आवर्त सारणी में बढ़ेगी, कहां पर घटेगी बच्चों, तो हम देखेंगे त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, परमाणु त्रिज्या को प्रभावित करने वाले कारक, जब परमाणु की त्रिज्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहले जो बच्चों आता है वो आता है आकार, सबसे पहले कौन सा आता है आकार आता है, मतलब कि जिस परमाणु का जितना बड़ा आकार होगा बच्चों उसकी त्रिज्या क्या होगी उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी, और जिस परमाणु का आकार जितना छोटा होगा उसकी त्रिज्या क्या होगी उतनी ही छोटी होगी आपके पास में। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, इधर देखना, हम ये बोल सकते हैं कि त्रिज्या जो होती है, देखो आकार बढ़ने के साथ साथ त्रिज्या भी क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है, तो हम ये बोलेंगे कि सर जी त्रिज्या जो होती है वो किसके समानुपाती होती है, आकार के, मतलब अगर आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। जैसे कि एक एग्जांपल, एक तो आपके पास में छोटा सा गोला दिया हुआ है और एक बड़ा सा गोला दिया हुआ है बच्चों, इस गोले का नाम हो जाएगा परमाणु, बताओ कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको, ये वाला ज्यादा बड़ा दिख रहा है बच्चों। तो बताओ ये देखो इसका छोटा सा ये नाभिक यहां से यहां के बीच की दूरी क्या दिख रही है आपको, मान लो 2 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके इसके बीच की दूरी क्या होगी आपके पास में, 5 सेंटीमीटर के आसपास, 2 से तो ज्यादा होगी क्योंकि इसका आकार क्या हो गया ज्यादा होगा, इसका आकार क्या है कम है बच्चों, तो इसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी कम होगी बच्चों। तो ये तो हो गया त्रिज्या का। अब हम बात करते हैं आवर्त सारणी में, जब हम आवर्त में जाते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं आवर्त में, तो बच्चों आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारे पास में आकार घटता है बच्चों, आकार क्या होता है कम होता है, तो त्रिज्या भी क्या होगी कम होगी। तो हम बोलेंगे कि इधर से इधर जब हम जाते हैं आकार क्या होता है बच्चों कम, तो त्रिज्या भी क्या होगी हमारे पास में कम होगी बच्चों। लेकिन अगर बात करें बच्चों वर्ग की, वर्ग का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, मैंने समझाया था आपको, तो वर्ग का मतलब हो जाएगा बच्चों ऊपर से नीचे अप टू डाउन, तो हमारे पास में आकार क्या होगा बढ़ेगा, त्रिज्या भी क्या होगी बच्चों बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। हमारे पास में आकार क्या होगा घटेगा तो त्रिज्या क्या होगी घटेगी, आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगी बच्चों बढ़ेगी हमारे पास में, ठीक है। हम एक उदाहरण से इसको समझते हैं कि सर कैसे, आपके पास में जैसे कि मान लो यहां पर दिया हुआ है लिथियम और सोडियम, अब ये दो परमाणु है बच्चों, एक तो लिथियम मेरे कौन है सोडियम है, अब लिथियम और सोडियम एक ही वर्ग में आते हैं बच्चों और वर्ग नंबर है पहला। अब देखो अभी अभी ने बोला था कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं अप टू डाउन आते हैं बच्चों, तो आकार क्या होता है बढ़ता है, तो त्रिज्या क्या होगी
बढ़ेगी। अब देखो ऊपर से नीचे आ जाओ, कहाँ रहे ऊपर से नीचे, तो आकार क्या होगा बच्चों, बढ़ता जाएगा आपके पास में। मान लो इसका आकार आपके पास में इतना सा था, तो इसका आकार कितना हो जाएगा, इतना सा। तो देखो ऊपर से नीचे आ रहे हो, आकार क्या होगा, बढ़ेगा, तो त्रिज्या भी क्या होगी बच्चों, बढ़ेगी। तो यहाँ पर त्रिज्या का क्रम क्या आएगा, यहाँ पर त्रिज्या क्या आएगी आपके पास में, सोडियम की त्रिज्या ज्यादा होगी, ये इसका क्या जाएगा पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगली बात करते हैं। यहां पर हमारे पास में एक और आता है बच्चों सर, परिरक्षण प्रभाव, या फिर बात करें नाभिकीय आवेश। किसकी बात करें, परिरक्षण प्रभाव और नाभिकीय आवेश। तो बच्चों यहां पर देखना, परिरक्षण प्रभाव जिसको हम यहाँ पर सिग्मा से दर्शाते हैं बच्चों केमिस्ट्री में, और एक होता है नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश इसको बच्चों हम लिखते हैं जेड इफेक्टिव से। इसका मतलब क्या है बच्चों, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में उसके बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व अंदर वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। जैसे बच्चों का एग्जांपल है आपके पास में ये दिया गया है, मान लो आपके पास में यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए गए, और कहाँ दिए गए आपके पास में, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो ये कक्षा तो हो जाएगी एनएस बाह्यतम, क्या हो जाएगी बाह्यतम कोष, और ये कौन सा हो जाएगा एन माइनस वन, ये हो जाएगा आंतरिक कोष। तो बच्चों इसकी परिभाषा क्या बोल रहा हूं कि किसी भी परमाणु में उपस्थित बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन व उसके अंदर वाली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो ये बाह्यतम हो गए, ये कौन से होगी बच्चों आपके पास में अंदर वाली, इन दोनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसे पाया जाता है, ऋणावेश आवेश पाया जाता है, और ऋणावेश ऋणावेश देखो माइनस माइनस के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा बच्चों, क्या होगा प्रतिकर्षण, और इस प्रतिकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं बच्चों। अब त्रिज्या को कैसे प्रभावित करता है और नाभिक आवेश, तो बच्चों त्रिज्या जो होती है वो परिरक्षण प्रभाव की क्या होती है, समानुपाती, लेकिन बच्चों त्रिज्या जो होती है वो नाभिक आवेश जेड इफेक्टिव क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, उल्टा होती है, अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगी घटेगी आपके पास। तो जेड इफेक्टिव अगर आपके पास में बढ़ रहा है बच्चों तो त्रिज्या क्या होगी घटेगी, और परिरक्षण प्रभाव अगर बढ़ रहा है तो त्रिज्या भी क्या होगी बच्चों आपके पास में बढ़ेगी। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में आवर्त की बात करें बच्चों, आवर्त सारणी में आवर्त में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारे पास में सिग्मा क्या होता है बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव क्या होता है कम होता है, तो त्रिज्या भी क्या होगी बच्चों कम होगी। और अगर बात करें वर्ग में तो हमारे पास में त्रिज्या वर्ग में क्या होती है बढ़ती है बच्चों, त्रिज्या वर्ग में क्या होती है बढ़ती, आकार क्या होता है बच्चों बढ़ता है। ठीक है बच्चों, बाकी जो इसके दो आपके पास में कारक रह गए उसकी बात हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है क्लास, थैंक यू क्लास।